G7 देशों के नेताओं ने एक साझा बयान में कहा कि ईरान ने क्षेत्र को अस्थिर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसने एक नियंत्रित क्षेत्रीय तनाव को भड़काने का जोखिम पैदा किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इन मामलों के मद्देनजर एक आपातकालीन बैठक बुलाने का फैसला किया है ताकि उस पर चर्चा की जा सके। इजरायली सेना ने ईरान के हमले के बाद हिजबुल्ला के खिलाफ जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। इस हमले में हिजबुल्ला का एक हथियार निर्माण कारखाना पूरी तरह से तबाह हुआ। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के वक्त हिजबुल्ला ने भी इजरायल पर रॉकेट दागे थे। इजरायल के वॉर कैबिनेट के सदस्य बेनी गेंट्स ने कहा कि ईरान के हमले का इजरायल उचित समय पर सही जवाब देगा। गेंट्स वॉर कैबिनेट में शामिल विपक्षी नेता हैं, ये इजरायल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि उनके देश ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया है। हमले को लेकर नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हमने रोका, हमने खदेड़ा, साथ मिलकर हम जीतेंगे। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि ईरान के हितों को नुकसान पहुंचाने में किसी भी समर्थन या भागीदारी पर हमारी तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी है कि 17 भारतीयों के रिहाई को लेकर उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। साथ ही क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव को लेकर भी चर्चा की गई। ईरान के कब्जा किए MSG एरीज जहाज पर 17 भारतीय भी सवार थे। इसराइल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच एयर इंडिया ने रविवार को तेल अवीव के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित करने का किया फैसला। इसराइल और ईरान स्थित भारतीय दूतावासों ने ईरान के हमलों के बाद अपने नागरिकों के लिए रविवार को एडवाइजरी जारी की। उन्हें शांत और सुरक्षित रहने के साथ ही सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन की भी सलाह दी गई। गाजा में शरण लिए लाखों लोग इजरायली सेना को चुनौती देते हुए उत्तरी गाजा में वापसी की शुरुआत कर चुके हैं। युद्धग्रस्त गाजा में अभी भी इजरायली सेना का मिसाइल से हमले और बमबारी जारी है।